जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा व्लॉग अपलोड हो गया, उम्मीद है आप भी देख रहे होंगे। और ये देखे मेरे घर वाले, आप भी दिखाएं, हर एक मोबाइल पे ये व्लॉग चल रहा है। ये देखें हर एक मोबाइल पे व्लॉग चल रहा है, तो इसी तरह आप भी देखें ये व्लॉग मेरा। और जल्दी जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हाँ, आपने आज का व्लॉग देख लिया होगा जो कि मैंने अपलोड किया है। तो जैसे कि आप अभी नेक्स्ट क्लिप में मैंने ऐड किया है, जैसे मेरे घर वाले जो ही मेरा व्लॉग आया साथ ही वो व्लॉग देखना शुरू कर दिया था उन्होंने। तकरीबन घर में अगर सात फोन है ना, तो सात के साथ हूँ मैं एट अ टाइम। व्लॉग चल रहा था क्योंकि सारे देख रहे थे और मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले अपने घर वालों से। तो आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ। बाकी ये है कि आज ईद का है दूसरा दिन और अभी देख सकते हैं, अभी तो मैं बिल्कुल बैठी हुई हूँ और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, मतलब अभी बाल स्ट्रेट हो रहे हैं और ये सारा कुछ। जो दो नमूनियाँ आपने देखी थी व्लॉग के अंदर, उनमें से एक ईशा अभी बाल स्ट्रेट वगैरह कर रही है, जैसे कि ये देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये कि अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कपड़े आज इस्त्री कर लिए हैं, कौन से कपड़े पहने हैं। तो चलिए देखते हैं आज के कपड़े मेरे। ये देख सकते हैं मेरे आज के कपड़े जो कि अभी बेड पे पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा इस्त्री करके रखे थे। तो ये है कमीज़, ये है इसके साथ का दुपट्टा और ये है इसके साथ का ट्राउज़र फ्लैपर, जो आजकल फैशन ज़्यादा इन है फ्लैपर का। तो ये है आज के मेरे कपड़े, तो चले पहनते हैं, तैयार होते हैं क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई और ये सारों के कपड़े इस्त्री पड़े हुए हैं। तो गाइज अब शाम के 7:30 होने वाले हैं और यहाँ पुलाव बनने लगे हैं हमारे घर में, जैसे आप देख सकते हैं। हमारी प्यारी मामी जो है ये टमाटर और प्याज काट रही थी और अब मैंने डाल दिए हैं। मेरा इंतज़ार करती है, मुझे कहती हैं कि व्लॉग बनाना है तो ले लो इसके अंदर व्लॉग, में चावल बनाने लगी। तो बस अब ये चावल शावल बनेंगे, तो अब ये जब हाफ तक पहुँचेंगे तो फिर मैं बताऊँगी आपको आगे का सीन। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए हुई तो फिर हम एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे इसका और फिर उसमें रेसिपी शेयर करेंगे आपको, अगर चाहिए हुआ वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात कुछ हुआ है, ये फिर वही वाली बात होगी पहले व्लॉग वाली। हाँ, सबसे पहली बात कि किस किस ने मेरा व्लॉग देख लिया है। अगर नहीं देखा, ऑब्वियस ही बात है जब मैं ये व्लॉग डालूंगी तब तक तो आप वो व्लॉग देख ही चुके होंगे, अल्लाह करे कि आपने देख लिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और सबसे अच्छी बात के ये कि हमारे 900 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चों वाले काम। तो 900 सब्सक्राइबर्स हमारे आज पूरे हो गए हैं, तो ये गुड न्यूज़ थी जो कि मैंने अभी अभी देखी। तो थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। तो ये थी मेरी कोई इस मेरे साए के साथ बातें। अब जो है आती हैं द वन एंड ओनली, अभी मैं दिखाती हूँ कि वो दोनों कर क्या दिए। प्लीज बैठे यहाँ पे। तो अब आप चले इनका इंटरव्यू लेते हैं। आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा, ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा अभी तक का, तो बताएं आप प्लीज। अच्छा, तो टाइम टाइम पहले दिन तो ठीक था, मतलब बोरिंग बोरिंग था, लेकिन फिर हम रात को गए ऐसे ब्लॉग में लिखा तो ठीक हो गया था। लेकिन जो दूसरा दिन है वो महिमा बताएगी, क्यों चले महिमा अब आप बताएं। आ जाए आए हमारे आने के जैसे 900 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। गलत फहमी है, ये लोग द ब्राउन कुड़ी को जानते हैं। आप तो अभी दूसरे व्लॉग हुए आना शुरू हुए हैं। हाँ
ये 900 सब्सक्राइबर्स, ये पहले जस्ट 892 सब्सक्राइबर मैंने खुद किए थे, ठीक है, आपके आने से अभी तक 8 सब्सक्राइबर बने हैं, क्यों भाई, यही बात है ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, इतनी भी हंसने वाली बात नहीं थी वैसे। तो चल तो बताएं अब आपके पहले दिन ईद का कैसा गुजरा, दूसरा दिन कैसा गुजरा? पहले दिन तो बहुत बोरिंग था, कुछ भी नहीं था, बस सो रहे थे। आवाज बुलंद करें, माइक नहीं है मेरे पास। और दूसरा दिन ठीक था, मतलब नॉर्मल था। अभी हम घूम के आए हैं। कहाँ से घूम के आए हैं? अपने फ्रेंड के घर गए थे। अच्छा, फिर हम घर आ गए और अभी हम देखते हैं, अभी फर्स्ट का लेकर देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए द बाय। ओहो, इनको फ्यूचर का प्लान नहीं बताओगी जो अभी 11 बजे होगा? नहीं, हाँ, इसके बाद क्या उसके लिए सरप्राइज? सरप्राइज वो हम आपको चले बताएंगे। बात कर रहे थे वो बस अनकरीब रिवील होने वाला है, ये रास्ता आप देख सकते हैं, और जो इस रास्ते से पहचान लेगा इस रास्ते को वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और बस जब हम सरप्राइज वाली जगह पहुंच जाएंगे तो फिर रिवील करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और कहां पहुंच चुके हैं? सरप्राइज, हम यहां आए हैं अरीना मूवी देखने के लिए। और मूवी कौन सी देखने के लिए आए हैं? ये नहीं बताना, ये जब मूवी स्टार्ट होगी तो फिर बताएंगे। तो देख सकते हैं ये हमें लेके आए हैं यहाँ पे, और इन्होंने ड्राइवर आधे घंटे की लड़ाई के बाद ये भी एक ड्राइवर है, ठीक है, भाई ने ऑनलाइन बुक कराए हैं, ठीक है। तो अब बस अब हम जाएंगे, तो फिर हम ड्राइवर में ही, हाँ, अगर एक जो है वो खुदा ना खास्ता उसको कुछ और तो दूसरा था हमारे पास। तो अब हम बस पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। तो ये है इसका एंट्रेंस, एक मूवी ये लगी हुई है, ठीक है, और दूसरी मूवी ये लगी है। तो चले अब हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो ये है अरीना, हम आपको देसी लोग हैं हम, जिस दिन भी आ जाए हम ये कितनी चीज, ये हम आपको अरीना दिखा रहे हैं, और जो सीन बनने हैं वही इधर है। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं। सीधा 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 चले जी। तो ये अब हम इंटर हो रहे हैं। तो ये देखें मूवी का स्टार्ट, मैंने देखा है सारा, पूरे 5 के, और ये क्या हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया। तो एनीवेज मूवी शुरू हो चुकी है, हम मिलते हैं मूवी के बाद। ये सो फाइनली ये मूवी एंड हो गई है, और एंड लेवल मूवी थी, बहुत मजे की थी, बहुत ज्यादा मजे की थी। तो हम बाहर आ गए हैं अब, और मूवी हमने देख ली है, जैसे कि आपने भी एंड देखा था। तो अब बस हम बैठने लगे हैं गाड़ी में और जाने लगे हैं वापस। बहुत हाँ जी जी, कौन सी है, खान साहब ये? अच्छा जी 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 जी, बैठ जाए ना, फिर जैक खोले। तो मूवी बहुत मजे की थी, बहुत ज्यादा। गाइस हमें ना मूवी के बाद दरअसल ना बहुत भूख लग गई थी, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं हम खटका के, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रहे। ओके, तो सीन कुछ अभी हुआ है कि अब हम सब लेट किए हैं अपनी जगह पे,
और रात के इस टाइम को इस खैर रात वही बात मेरे पिछले व्लॉग वाली के रात कहना तो अब दो गुस्ताखी होगी, सुबह के 4 बज रहे हैं तो बस अब हम सोने लगे हैं। मूव हमारा आज का दिन आपके सामने है, साथ साथ सब कुछ शेयर करते रहे हैं। उम्मीद है आपने भी ये व्लॉग इंजॉय किया होगा और जब उसे यह कहते हैं हाँ, और आज की जो हमने मूवी देखी है वो बहुत बेस्ट थी और सिनेमा भी बहुत बेस्ट था, बहुत बेस्ट था। आप मस्त जाना और ये कि जो काजी आज़म जिंदाबाद है ये वो भी मूवी बहुत अच्छी है तो वो भी देखना। एनीवेज अब मुझे बहुत नींद आई है तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।